दो दिन से इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। अच्छा चलें जी, पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं, जल्दी से खाना शुरू करते हैं क्योंकि। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने बनाई है फर्स्ट टाइम पनीर। अच्छा, ऐसे मैं करती नहीं हूँ लेकिन आज मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो सोचा मैं इसको थोड़ा डेकोरेट भी कर दूँ, ठीक है जी। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं राइन को पिक करने के लिए। ये है मेरा आज का सर्जरी आउटफिट। हाँ बीमार मैं भी हूँ। तूने लगाया गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब, वेलकम टू शाइन वर्ल्ड। उम्मीद है जी सभी ठीक होंगे, खैरियत होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और फिट फाट तो होंगे ही। जी हाँ जी, तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो गाइज, आज मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं ना आज के दिन पे क्या करूं। तो सीन कुछ ये है कि आपको पता है कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है जी, स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, रूटीन हमारी फिर जरा ना अच्छी रूटीन बन जाएगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो रही थी। कुछ राइन की जूम मीटिंग्स चल रही थी, कुछ ना हमारी ना मतलब इरेगुलर सारा कुछ हुआ था, बट अब यह है कि रूटीन बिल्कुल सही हो गई है क्योंकि राइन अब स्कूल गया है, तो सब कुछ सही हो गया है। दो दिन से इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ठीक है जी। अभी मुझसे बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि मेरा सांस बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, फ्लू था, कफ नहीं थी फ्लू था, वो ठीक हुआ है पता चल रहा होगा। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी डेली रूटीन आज की जो है ना आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे मेरे दिन का आगाज है, मैंने खाना बनाना है, बहुत से काम करने हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा चलें जी, पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं, जल्दी से खाना शुरू करते हैं क्योंकि नुमान का मुझे फोन आया कि बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना बना के भेज दो। अभी बजे हैं जी 10 और उसके बाद 12 बजे तक मैंने नुमान को खाना भेजना है। अभी मैं सोच रही हूँ कि नुमान के लिए ना पालक और चिकन बनाऊं, लेकिन ना मैंने कल बनाई थी पनीर, लाइक खुद होममेड पनीर बनाई थी मैंने, तो मैंने सोचा कि वो भी मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, जल्दी से अपनी कुकिंग को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बहुत से काम है, सो स्टे कनेक्टेड विद मी टुडे, ओके। A few moments later. अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने बनाई है फर्स्ट टाइम पनीर, ठीक है जी। ये बनाई है मैंने पनीर, लाइक आई डोंट नो कैसी बनी होगी। अभी मैंने इसको फ्राई करना है। ये मैंने नमक मिर्चें लगा के, मिर्चें रखी हुई हैं, नमक और हल्दी लगाकर, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पाइसी लगती हैं और मतलब इतनी ज़्यादा स्पाइसी लगती है बट टेस्टी लगती हैं। यहाँ पे पालक मैंने बॉईल करके रख दिया और चिकन मेरा जो है यहाँ पर हो रहा है, मैंने कहा चलो चिकन भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं फ्राई करूँगी अभी पनीर को, ठीक है जी। तो साथ साथ अपना काम भी करती हूँ और साथ साथ ना हम राइन का वेट कर रही हूँ, मैं राइन स्कूल से अभी आ जा रही हूँ, ठीक है जी। सो ये मेरा आज का मेन्यू है, मैं पहले अपना काम सारा फिनिश कर लूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ओके जी, यहाँ पर पनीर को मैं कर रही हूँ फ्राई, चिकन को मैं भून रही हूँ और यहाँ पर अचार मैंने डाला था, मैं ना मैंगो वाला लैदर ले आई थी, अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ इस मिर्चों के अंदर ना, तो मैं आपको मिक्स करके फिर मिलती हूँ, क्योंकि एक हाथ से मुझसे वीडियो नहीं बन रही है, सो साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो इस अचार को मैंने खुद कस्टमाइज किया है क्योंकि सिर्फ मुझे आम का अचार और साथ की मिर्चें पसंद है, ठीक है, होम मेड। तो ये फिर सॉरी, गला इतना ख़राब है ना कि मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल ना बहुत बुरा हाल है, इसकी वजह से ना थोड़ी हमारी वीडियोज़ जो है ना वो स्लो भी हुई है, बहुत गला ख़राब है, लॉकडाउन है, बच्चों की स्टडीज़ हो रही है, जूम मीटिंग्स चल रही हैं, सो वेरी डिफ़िकल्ट। बट कोई ना, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ना यही रूटीन शेयर कर देती हूँ, ख़राब ना हो जाए। अच्छा, तो मैंने ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, बस मैंने थोड़ी सी यूट्यूब से देखी है बट मैंने फ़र्स्ट टाइम पनीर बनाई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं लास्ट में ना जैसे टॉपिंग करूँगी ना, मैंने नुमान को लंच भेजना है तो मैं इसकी टॉपिंग करूँगी, तो साथ ही ना इसको वो कर दूँगी, उस पर थोड़ा ना डाल दूँगी, ठीक है जी। और बस अब मैं करती हूँ पालक और ब्रेड उसको अच्छे से भून के ना पालक इसके अंदर डालते हैं। पता नहीं कैसे एक हाथ से वीडियो बना लेते हैं, मुझे तो नहीं पंदी। इसको मैं डालूँगी एज यूजल इसमें आइसक्रीम वाली बॉटल में, ये वाली जिसको हमेशा नाइन तो देख के ना शक होता है कि इसमें कुछ है, खैर मुझे इससे खुला जार नहीं मिला, मैं इसमें इस अचार को ऐड करूँगी। सो ये अचार इतना टेस्टी होता है कि दाल चावल के साथ तो ये कमाल का लगता है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको ये चीज़, ठीक है जी। मुँह में पानी जिसके जिसके आ रहा है,
वो घर पर अपने बना ले, बहुत मज़ा आता है इसके साथ दाल चावल खाने का, किसी भी चीज़ पे कोई भी। मोस्टली मेरे साथ ये होता है कि मैं रायन से बनाती हूँ, फीकी चीज़ें स्पाइसी भी होती हैं तो मुझे भी आदत हो गई है। मैं क्या करती हूँ, फीकी बना लेती हूँ तो अपने साथ थोड़ा सा अचार, हरी मिर्च, इस तरह की चीज़ ऐड कर लेती हूँ तो वो मेरे लिए ना खाने के लायक हो जाता है। तो मैंने आजकल ये शुरू किया हुआ है फीका खाना। बहुत मैं स्पाइसी खाती थी लेकिन अब जो है ना, अब बस हो गई है। इसको हम ऐड करते हैं इसके अंदर, इस बॉटल के अंदर ना ये पूरा ही फिट आ गया है, पूरा पूरा आया। मुझे लग रहा था जैसे ज़्यादा हो जाएगा बट कोई नहीं, पूरा आ गया। ठीक है जी, इसको हम करते हैं बंद। और वैसे मुझे ये नहीं पता कि इसको मैं फ्रिज में रखूँ या बाहर रखूँ, तो मुझे ज़रूर बता देना इसका क्या करना है। चिकन हो गया ऑलमोस्ट रेडी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पालक। ओके जी, अब मैं बनाने लगी अपने लिए चाय। मैंने इसके अंदर एक टी बैग डाला है लिप्टन का, और बीच में हम ऐड करेंगे शक्कर। ठीक है जी, इतने काफ़ी है ना, दो चम्मच। भाई मैं मीठी चाय पीती हूँ, मैं तो ढाई हो गया, दो ही होंगे, थोड़ी थोड़ी डाली है। ठीक है जी, तो हम एक साइड पे इसको भी रख देते हैं। फेस वॉश कर रही थी और चाय मेरी उबल उबल के पागल हो गई है। इसको हम ऐड करते हैं जल्दी से कप में। स्टेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको टी बैग इसमें डाला है। ठीक है जी, डिगन नहीं देना मुझे। ओके ठीक है जी, ये मेरा सालन हो चुका है, ऑयल इसने छोड़ दिया। मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगी, ऐड मैंने की है थोड़ी सी क्योंकि लाइक चिकन भी है उसके अंदर ना ऑलरेडी। ठीक है, जब मैं इसको बॉक्स में ऐड करूँगी ना, फिर मैं इसको फाइनल दिखाऊँगी। साथ में इतना तैयार होकर बनाने लगी रोटियाँ क्योंकि राइन को हमने पिक करने जाना है, उसके बाद हम लोगों ने ज़रूरी काम जाना है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, कुछ चीज़ें लेनी है, हम लोगों ने जाना है बाज़ार। तो राइन को और इस्लान और मैं पिक करेंगे गाड़ी में। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग जल्दी से रोटियाँ शोटियाँ बना के फिर हम चलेंगे उधर शॉपिंग करने। राइन को मैं जैसे पिक करूँगी ना, वैसे ही हम लोग ना उधर चले जाएँगे डायरेक्ट लाइक। ठीक है, मुझे लगता है मुझे राइन का खाना जो है ना वो साथ ही पैक करना पड़ेगा। आज मैंने यही सोचा कि मैं ना थोड़ी सी मेरी तबीयत तो हुई बेहतर, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ना डेली व्लॉग भी शेयर कर देती हूँ। टाइम नहीं लग रहा प्रॉपर कहीं आने जाने का स्मोक की वजह से, राइन को भी मैं कहीं नहीं लेके जाऊँ। ठीक है, तो इसीलिए ना अच्छा मेरे बालों को आपने करना है इग्नोर, क्योंकि मैंने अभी बन बनाया हुआ था तो मेरे बाल ना थोड़े से ऐसे हो गए हैं पर अभी सीधे हो जाएंगे, मैंने बोनिंग कर ली है। और सांस मुझे इसलिए चढ़ा हुआ है, सारे आंसर भी मैं खुद करूंगी, क्वेश्चंस भी मैं खुद करूंगी। सांस मुझे इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मुझे जल्दी से ना वो करना है, राइन को पिक भी करना है, खाना भी पार्सल करना है और बाजार भी जाना है। एक इमरजेंसी काम आ गया, हमें वहाँ पर जाना है, लेकिन जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी, इस डब्बे में मैंने रखा हुआ खुशका क्योंकि बिखर जाता है प्लेट में या किसी और चीज़ में मैं नहीं डालती, मुझे ये ईजी लगता है। रोज रोटी फूलती, आज रोटी नहीं फूलती, नुमान को भूख नहीं लगी लगता मुझे। राइन के लिए मैंने चावल बनाए हैं साथ क्योंकि वो रोटी नहीं खाएगा, खा भी लेता है वैसे, पालक उसकी फेवरेट है वेजिटेबल्स में से, सिर्फ उसको पालक ही तो पसंद है, फ्रूट तो वो बिल्कुल नहीं खाता, वेजिटेबल्स में वो पालक खाता है। हमारे सामने जो है ना उनके बच्चे पोट रखते हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो हमारी वीडियो नहीं देखते, कभी कभी ऐसा लगता है हमारे बच्चे रो रहे हैं। अच्छा ऐसे मैं करती नहीं हूँ लेकिन आज मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो सोचा मैं इसको थोड़ा डेकोरेट भी कर दूँ। ठीक है जी, ये हमें थालन डाला है क्योंकि सिर्फ तीन रोटियाँ बनानी थी। ओके, इस छोटे वाले बॉक्स में मैंने चावल डाल दिए हैं क्योंकि चावल सिर्फ इतने से ही खाने हैं। अभी आएगा एंड्राइव वाला जिसके हाथ में भेज दूंगी ये खाना। यहाँ पर ढेर लगा हुआ है मेरे पास पार्सल्स का, जिसमें से कुछ है जी टीमो के पार्सल 1, 2, 3 एंड 4, और एक जो है वो आज आना है, ये आई थिंक सो ब्रेकआउट के हैं, मैंने अभी ये देखे नहीं है। तो
तो इनकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने टीमो फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है, टीमो 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 हर जगह पे टीमो टीमो हो रहा है। सो देखते हैं इसका पार्सल में से क्या निकलता है। मेरे थे 5 बैग्स, ठीक है, उनमें से 3 आए 2 दिन पहले, एक आया आज और एक की लास्ट डेट है, उसने भी आज ही आना है। और मैंने सोचा था कि मैं सारे ना एक साथ ही ओपन करूंगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी, तो वो मैं जब वापस आऊंगी ना फिर आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। सो की गाइस, हम लोग जा रहे हैं राइन को पिक करने के लिए। ये है मेरा आज का सर्दियों का आउटफिट, स्वेटर मैंने निकाली स्वेटशर्ट और आज की मेरी ये ड्रेसिंग है। तो हम लोग जाते हैं राइन को पिक करते हैं, उसके बाद जहाँ पे हमने जाना है वहाँ पर जाते हैं, अपने काम को खत्म करते हैं जल्दी से। उसको दूसरी साइड से लेके आ रहे, उसको ये फील करा रहा है कि हम नहीं आए। हाय, हेलो राइन, क्या क्या खाया स्कूल में आज? चॉकलेट तो अलाउड नहीं है, तो ये गंदा क्यों फेस हुआ है? माइलो, माइलो लगा हुआ है ना? ओके, डिड यू फिनिश योर लंच? यस। सारा हाँ जी, अच्छा चलो गैस करो मैं अभी क्या राइन के लिए खाने में लाई हूँ, गैस करो। चलो ये राइन के फेवरेट है वाइट राइस और पालक, ठीक है जी। तो हम इसको जल्दी से पहले खिला देते हैं, आगे फिर बाद में मिलते हैं। ओके जी, हम लोगों ने जो चीजें लेनी थी, अपना काम करना था, वो हमने कर लिया। झूठ बोल रहा है ना? नहीं, सॉरी नहीं ना, अभी तक ये ना गाड़ी में दरअसल बैठा हुआ था और मैंने जो काम करने थे वो मैंने किए खत्म। अभी सीन ये है कि मेरा सांस बहुत ज्यादा खराब हो रहा है और मैंने सोमा को बोला है कि मेरा चेकअप करवा दो हॉस्पिटल पे, और बोला भी नहीं जा रहा सच्ची में। तो मैं जा रही हूँ सोमा के पास, तो वहां पर जाके मैं आपको सोमा से मिलवाती हूँ, मेडिसिन वगैरह लेती हूँ। तो फिलहाल क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ जाइए यार, हालत देखो इसके मुंह की। और बस नींद से भरा हुआ है, सुबह से उठा है 7 बजे से, तो अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 2 बजने वाले हैं। चलें जी जल्दी से सोमा के पास चलते हैं, उसे मेडिसिन लेते हैं और थोड़ा सा अपने सांस को ठीक करते हैं। ओके, विंटरलैंड कहाँ जाना है तूने? विंटर ने पहले हमें बुरे हाल कर दिए हमारे, अभी आया भी नहीं है, इसने विंटरलैंड जाना है। चलो जी जाके फिर सोमा से मिलवाती हूँ आपको और फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। मुझे नहीं बोला मम्मा मैं ना। क्या कह रही है? हाय, बीमार मैं हूँ। बीमार मैं भी हूँ। तूने लगाया बीमार हूँ, नहीं मिला अभी बीमार, अभी भी ठीक हुई हूँ भाई, मुझे कॉल आई राइन आ रहा है, मैं तुम ठीक हो जाती हूँ। चलो राइन आ जाए, चलो ठीक है, चलो अंदर चलते हैं, मेडिसिन वगैरह लेते हैं फिर मिलते हैं। मेडिसिन दे दी मैंने, ये भी है मेडिसिन साहब, ठीक है, और ये भी दे दिया, तो मैं सब कुछ दे दिया, ये ले। अब हम लोगों ने खाना पीना क्या है? अरसलान से भी यार मेरा सांस इतना खराब है, मैंने ब्लाइज करवाया, अपना इंजेक्शन लगवाया है और मैंने अपने लिए और निबलाइजर की चीज़ें ली हैं, ठीक है जी। राइन यहाँ पर आ गया है सोमा के पास, इसको बहुत शौक है सोमा के पास आने का, तो तुम जल्दी से हमें कुछ नहीं तो चाय ही पिला दो यार, कुछ खाना भी तुम बताओ मुझे, ये बाइक से लड़कर इसको यहाँ से भेजूंगी। ले आएगा क्या खाना? तो 10 किलो आएगा इस टाइम, बिरयानी पुलाव मिलेगा भाई, बिरयानी पुलाव कर दो। स्टॉक शॉप पे है चाय, क्रीम कोक, बिस्किट, हाँ केक, चोको पॉपकॉर्न, कुरकुरे, इधर मुंह लेके बताओ, कुरकुरे पुलाव वहां से मिलता है, इधर आओ तुम, ये जब इसको ना ताप के तुम्हें बाहर जाना है, वो कैमरा लगा हुआ है सामने, जहाँ तुम बैठे हो उधर से सीधा कैमरा कैप्चर करता है यार। बस ठीक है, जल्दी जल्दी से मैं, हमने घर जाना, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा, गाइस देख लो मैं आज बीमारी में ब्लॉग बना रही हैं। हां पापा जी, नहीं पापा दादा ने लाओ कलाओ नहीं चाय भी और जाओ, बी पुलाव नहीं आएगा? नहीं नहीं, बी पुलाव नहीं आस मिलता, वो क्या होता है बी पुलाव? क्या होता है बी पुलाव? वो क्या होता है? गोश्त का। गोश्त का? गोश्त क्या होता है? मुझे आपने कभी खाया है बड़ा गोश्त? नहीं खाया ना, भाभी को नहीं पता, तेनू कहीं पता? नहीं, ब्लाइज करवा रही थी ना, चेकअप कराते, मैंने इसको बोला था कि मेरी वीडियो बनाते, इसने बनाई नहीं पाया। पता था वहां से बोला नान भी बोले आते है, क्या कह रही है? रोल ले आते वहां पे, परमिशन नहीं है। कड़ा रोल इतनी फूड रोल जा, तो थे आके डिग गया कार बस। अच्छा तो है, चॉकलेट लगी हुई है राइन,
उसको नहीं पसंद आया, खोल के फिंगर्स ना, तू कुछ भी नहीं छोड़ता, तू खा ले। मैं नहीं खाना, बीफ इमेजिन करके खा रहा है, बीफ बढ़िया में ब्लैक हो चुका। अरसलान इतना वाइट है पहले, तो एंजी कर ले, तो फिर तो नजर ही धूप आएगी। बहुत प्यारी लग रही है, मेरी नहीं शुरू हुई लेकिन रात को मुझे सर्दी लग रही है। अभी ठीक हुई है, तुम लोग मेडिसिन गिर लीजिए, देखो मेडिसिन खाई तुम लोग के आने से पहले, नीचे गिर गई, गिर गई थी नीचे। राइन अभी अपने फिर से रिप्लाइज करूंगी, अपने फ्रेंड्स से भी मिलवाना, मिलोगे सबको, मेरी फ्रेंड्स को मिलोगे राइन है, चल ठीक है। ऐसे नहीं कहते राइन, सही कह रहे हो। देखो क्या हुआ है, उसका कोई चश्मा ही नहीं दी। अरसलान पता वो लग रहा है, वो ड्राइवर नहीं होते जो रातां नूं ट्रक चला चलू के आंदे ने, वो वाला ड्राइवर। ते हुण चाह काली चाह पीने बिस्किट खा के ते हुण दोबारा लगना कम्मे। आज वैसे सुबह वाली अच्छी बनी कम्मे। राइन बैठो ना, आप थक जाओ, आपकी टांगों को क्या हुआ राइन? आज मैं अपनी रेगुलर रूटीन दिखा रही थी, मैंने खाना बनाया, जो खाना भेजना था वो दिखाया, राइन को पिक किया, हमने कुछ चीजें ले ली थी मैंने वो ली, उसके बाद अब मैं तेरे पास सालन दे जो शक्ल तू से बना के भेजी थी ना, वो है कि तू मॉल दी लग गई। ओए होए हेलो बोले, मैंने नहीं दी ब्लॉग में देखी थी। अभी आप हमने मैंने पनीर खुद घर पे बनाई थी, वो उसकी भी रेसिपी डाली है, उसकी रेसिपी नहीं डाली, वो बन गई थी। लाइक मैं क्या, तो वो यकीन कैसे होगा कि तुमने बनाई है? नहीं सुनते सही, मैं क्या खराब हो गई तो फिर नहीं खावांगी, सही होगी फिर दिखा दूंगी। मैंने उसको कट किया ना स्लाइसेस में, वो सही क्या हुआ, क्या हुआ भाई कुछ नहीं, नहीं मैं नहीं फिर बनाऊंगी, मुझे और कॉन्फिडेंस हो गया और मुझे और अच्छी बनेगी। आपका टीमो का पार्सल आ गया? मेरे टीमो का पार्सल आ गया पर मैंने ओपन नहीं अभी किया यार, वेट करी तुम लोग आए हम देखें कैसा पार्सल, फिर मैं कुछ ऑर्डर करूंगी, अगर खराब हो गया तो मैं जरूर पैसे वेस्ट नहीं करती। रिव्यू तो अच्छे है बट मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है ना वो अभी लाइक बना नहीं। अच्छा तो ना तीन पार्सल मेरे पहले आया, एक रह गया, पांच है मेरे, पांच पैकेज बने हुए थे। तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, फिर रिव्यू दूंगी कि मैं भी मैं घर जाके दिखा दूँ शायद ना दिखाई साढ़े ना वहीं से रिएक्शन दांगे, आ खराब आ गया, अगर खराब है तो शुगर लावांगे ऐसे पता नहीं यार। मामा पापा के चाचा जाऊंगा, पापा चले गए हैं घर, अब पापा तुम लोग से पहले चले गए हैं यार घर जाकर, मेरे को मेडिकेशन करनी है और बहुत सी काम करना है, तो हम जा रहे हैं घर से जाकर सोना है, स्कूल से वापस आए, बहुत काम है आज का दिन, हमें आज के दिन की कोई प्लानिंग नहीं, तो देखो हम कैसे आ रहे हैं। मामा जैसे भी बोली जा बोली जा, राइनर असलान तू खा ले, ये ले चॉकलेट पॉपकॉर्न, चलो ओके बाय बाय, हम जा रहे हैं बेटा, आओ आप इसको ले जाओ साथ ही, अल्लाह रखा भाई इसको उठा के कमरे में बंद कर, इसके सारे रट्टे हैं, कभी टॉयलेट पापा के पास जाना है, लेके आना नेक्स्ट टाइम, नहीं लेके आना मैंने इसको, कोई वाला नहीं है इधर, चल बाय 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 ओके बाय गाइस। ओके जी, आज की वीडियो को हम करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म। सो जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है जी। शुरू में भी बोला था अभी भी यही बोला, ओके हमारे सारे काम शाम हो गए हैं, जो कुछ भी किया आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है जी। अब मेरे थोड़े थोड़े और काम है जो मैं इसमें और भी मतलब कितनी रिकॉर्डिंग करूं, मतलब व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए जो पार्सल रिव्यू है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद शाइन वर्ल्ड।